गुड इवनिंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड आज है मंडे और अभी इवनिंग के टाइम हो रही है, तो मैं आज इवनिंग से मेरा ब्लॉग जो है इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं इवनिंग से मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी आज मैं आपके साथ। सो फ्रेंड देखिए, अभी मैं शाम के टाइम झाड़ू लगा रही हूँ, तो पहला काम होते है मेरा। आप लोग सोचोगे कि झाड़ू लगाते लगाते मैं कहाँ चली गई, तो पता नहीं घर में कुछ वाइब्रेशन का आवाज़ आ रही थी, तो मैं इधर उधर देख रही थी। फिर मुझे पता चला मून ने मोबाइल अलमीरा के अंदर रख दिया, तो उधर से ही आवाज़ रही थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है बाद में मैं निकाल लेती हूँ उसको। तो देखिए फ्रेंड, झाड़ू लगाते वक्त मैं मतलब झाड़ू लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं अभी दे रही हूँ शाम की दिया अगरबत्ती जो कि देना पड़ती है। और मैंने झाड़ू लगाने की पहले ही मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, इसके लिए मैं पहले मास्क पहनी हुई थी और मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, क्योंकि मैं शाम के वक्त जब दिया अगरबत्ती लगाती हूँ ना, तो मैं कपड़ा चेंज करती हूँ, चाहे मैं वेज ही खाती हूँ या फिर नॉन वेज ही खाती हूँ, मैं चेंज करते रहती हूँ। और ये देखिए मून भी इधर घंटे लगे घूम रही है। आप लोग सोचोगे मून को आप चड्डी क्यों नहीं पहनी हो, तो मैंने चड्डी पहना ही हुई हूँ उसको। उसका चड्डी जो है एकदम शॉर्ट होता है, तो उसके टॉप के नीचे छुप जाती है, तो आप लोगों को दिख नहीं आती है। सो उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे डिनर के लिए चावल जो है उसको भिगो के रखना पड़ेगा। हाँ, मैं चावल को भिगो के रखती हूँ, उससे क्या होती है चावल बहुत खिला खिला बनती है और जल्दी बन जाती है। तो चावल को भिगाने के बाद मुझे भूख लग गई है, क्योंकि लंच में आज बहुत सुबह करी थी, मतलब कि बहुत ही जल्दी कर ली थी, इसके लिए भूख भी लग गया। तो मैंने इधर ले रही हूँ मुड़मुड़ा, और मुड़मुड़ के साथ मैं थोड़ा सा ग्रेवी ली हूँ, क्योंकि हम लोग आज दोपहर में चिकन बनाई थी, तो बस मैंने उस चिकन का ही दो पीसेस लिया और थोड़ा सा ग्रेवी ले लिया। मुझे बहुत पसंद आती है मुड़मुड़ा के साथ चिकन का ग्रेवी लेके खाना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये बंगाली लोग खाते हैं, पता नहीं आप लोग खाते हो कि नहीं, कमेंट करके बताना प्लीज़। तो फ्रेंड देखिए, अभी मून का नाश्ते का टाइम हो गया है, इवनिंग स्नैक्स मतलब स्नैक्स मत बोलूँ तो ही अच्छा है। तो मून को मैं इवनिंग में खिलाती हूँ रवा, जो कि मैं इधर बना रही हूँ घी से। और मैं मून के लिए अलग से कढ़ाई निकाली हूँ, जो कि मेरे पास था नया वाला, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हम लोग जो मतलब कढ़ाई में खाते हैं उसमें मसाला वगैरह पड़ते हैं, तो उसके लिए ना बनाऊँ तो ये अच्छा है, इसके लिए अलग सा एक कढ़ाई निकाल। तो फ्रेंड इधर मून का सूजी बन जाएगी, फिर मैं उसको खिला दूंगी। और इधर देखिए मून का पापा आ गया है, तो मून का पापा आने के बाद वो फ्रेश हो गया, उसके बाद देखिए वो मून को लेके गाड़ी में लेके घूम रही है। वो आने के बाद तुरंत ही ऐसा करते हैं, वो उसका करने का मन नहीं रहता है, तो भी मून गाड़ी लेके उसके सामने चले जाते हैं, तब करने का मन हो जाती है उसको। तो मैं बस न्यूज़ देख रही थी, और न्यूज़ में बहुत ही एक भयानक सा न्यूज़ देखने को मिल गया मुझे, क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया, जो कि पता नहीं क्या होगा टिकटॉक वाले को। मैं तो बनाती भी नहीं हूँ और मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, और बहुत सारा कुछ ऐप्स जो है वो बंद हो गया है, वही मैं देख रही थी। तो फ्रेंड इधर देखिए, मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, साइड में दूध चढ़ा दिया मैंने, उसमें उबाल आ रही है, और इधर चावल बन रही है। और हम लोग चावल ही ज़्यादा खाते हैं, डिनर में बोलो लंच में बोलो, रोटी कम ही खाते हैं। और ये देखिए इधर मून क्या कर रही है, एक बार उसके पास जा रही है, एक बार मेरे पास, कि कोई तो मुझे मतलब धकेल दो। तो बस इधर ही, और इधर मून चड्डी नहीं पहना हुआ है, हाँ, तो क्योंकि वो सुसु कर दिया था, फिर मैं नहीं पहनाई हुई हूँ, पर लॉन्ग टॉप है ना, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होते हैं, तो मून मेरे पास आ गए थे। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा डिनर जो है चिकन करी, जो कि लंच मतलब लंच में मैं बनाई थी, वही रह गया था, तो वही मैं हम लोग डिनर में ले लेंगे। और इधर ये चावल, तो यही है हमारा डिनर। तो डिनर करवाने के बाद देखिए बहुत मतलब आधा घंटा एक घंटा हो गया, उसके बाद मैं इधर मैंगो और ये है दूध जो कि हम लोग, तो मैंने मैंगो कट कर लिया, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि रात में आपने चावल खाया इतना, फिर मैंगो फिर दूध, इतना खाते कैसे हो। तो क्या है फ्रेंड कि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है कि मैंगो खाने का, क्योंकि सुबह वो ऐसे हल्का पतला ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं, फिर दोपहर को वो आते हैं लंच करने के लिए, फिर लंच करके वो तुरंत चले जाते हैं, फिर उसको टाइम ही नहीं मिलता है। और शाम को घर आने के बाद वो चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद हम मैंगो नहीं खाते हैं, इसके लिए रात को ही मैंगो खाते हैं हम दोनों मिल के, मतलब बैठ के। मून सो जाती है, मून को बस मैं सुला के जाऊँगी इधर बेडरूम पर, वो उसके पापा के पास जाके सो गई है, तो उसको सुला दूंगी मैं इधर आके, फिर हम दोनों मिलके मैंगो और दूध जो है उसको खा लेंगे और दूध को पियेंगे, फिर हम लोग आके सो जाएंगे। और मैं आप लोगों के साथ शाम से बातें ही नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। और मेरे बाल आप लोगों को गिल्ला दिख रही है, और सिंदूर नहीं लगाई मैंने, क्योंकि मैंने लगाई थी तो उठ गई, मैंने शाम को जब फेस क्लीन किया था ना तभी उठ गई थी, फिर मैंने और नहीं लगाई हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मेरे बाल जो है गिल्ला हो गई है, क्योंकि मुंबई में इतना ज़्यादा गर्मी है ना, तो मैंने नाइट टाइम स्किन केयर जब कर रही थी ना, तो फेस को मैंने मतलब वॉश किया था, उसके साथ साथ मैंने ऐसे इतना तक मतलब हेयर के ऊपर भी पानी डाल दिया था, इसके लिए ऐसा लग रही है। सो फ्रेंड
टाइम हो रही है 11 बज गई है अभी, तो मुंह ना सोने में लेट किया है क्योंकि वो दोपहर में नहीं सोया था, तो अभी वो 2:30 बजे तक सोई थी ना, तो 4:30 बजे तक सो गए थे, तो हम भी सो गए थे, मतलब मैं भी सो गई थी, तो मुझे आज इतना नींद नहीं आ रही है क्योंकि शाम के मतलब दोपहर को अगर सोती हूँ ना तो इतने ज़्यादा नींद नहीं आती है रात को। तो बस मैंने मोबाइल को ठीक से पकड़ी हूँ और इधर हाथ लग गया था। सो फ्रेंड चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रही है बाहर, फिर भी मेरे एसी चल रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी तो एसी का आवाज़ आ रही है। और मेरा बाल इधर से पूरा एकदम देखिए कितना कम हो गया है ना, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अभी बारिश के टाइम में ना मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं क्योंकि पानी का ठीक ठाक नहीं आते है, पानी एकदम ख़राब वाला पानी आते हैं ना, पीने का पानी भी बहुत ही ख़राब आते हैं। तो इस जो सिचुएशन रहते हैं ना इस टाइम पे, तो हम लोगों का आर ओ का जो फिल्टर होते हैं ना उसको बहुत ही जल्दी चेंज करना पड़ते हैं क्योंकि बहुत ही मिट्टी जैसा पानी आते हैं ना, बहुत ही गंदी पानी आती है, तो इसके लिए सब चेंज करना पड़ते हैं। और ये बारिश के टाइम ऐसे तो अच्छे है और इतना भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि बारिश के टाइम ना बहुत ज़्यादा लाइट जाती है बहुत ज़्यादा इधर। अभी पता नहीं अभी जो ये जो टाइम है ना जुलाई का मंथ में ना, मतलब जून के लास्ट से ही बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, पर इस बार जो है ना इतना ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जो है कम करके हो रही है। आज दोपहर को थोड़ा सा हुआ था, शाम को थोड़ा सा हुआ है, पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब बारिश होते है, उस हिसाब से इस बार इतना ज़्यादा पानी नहीं आ रही है और इतना ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है। तो हम लोग सोच रहे कि नहीं हो वही अच्छा है क्योंकि इस टाइम पे अगर लाइट 2-3 दिन तक कटा हुआ रहेगा ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ना ही हम बाहर जा पाएंगे, ना ही कि मेरा घर में इन्वर्टर है, और इन्वर्टर लेंगे फिर भी कितना दिन तक, वो शायद मतलब 2-3 घंटा तक ही रहते हैं, मेरे नेबर के घर में है ना, तो वो तो 2-3 घंटे तक ही रहते हैं, इसके लिए हम लोग इन्वर्टर भी नहीं ले रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं मॉर्निंग पे, हाँ गुड नाइट फ्रेंड। अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, नहाने के बाद मैं फिर आपके साथ मिलती हूँ। सो फ्रेंड देखिए मैं आ गई हूँ नहा के, तो नहाने के बाद बस मैं हेयर वॉश नहीं किया था, ऐसे ही बाल जो है गिल्ला हो गई थी, इसके लिए मैं उसको छोड़ के रखी हूँ, मैंने ड्राई कर लिया था। और इधर मैं क्रीम लगा रही हूँ, मैं सनस्क्रीन लगाई हूँ लैक्मे का, जो कि मैं लैक्मे का या कोई भी प्रोडक्ट जो कि अच्छा प्रोडक्ट रहते हैं वही मैं यूज़ करती हूँ। तो इधर मैं कॉम्बिंग कर रही हूँ और सिंदूर भी लगा लूँगी तो हो जाएगी। और बहुत सारा कपड़ा था, मतलब बहुत सारा नहीं थोड़ा कम ही था, उतना सारे कपड़े को मैंने धो भी दिया था और मेरे हाथ ना कट गया था, तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कपड़े को मतलब ड्राई करने में, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है, मुझे हाथ से ही कपड़े को क्लीन करना पड़ती है, और मेरे ना मिक्सर मशीन जो रहते हैं ना उसमें मेरा हाथ घुस गया था तो कट हो गया, तो बहुत ही दर्द हो रही है। कल कट गया था पर आज भी बहुत दर्द है। तो देखिए फ्रेंड जितना सारा कपड़ा मैंने धो के रखी थी उसको भी बस मैं सुखाने के लिए दे रही हूँ क्योंकि मैं इसको अच्छे से ड्राई नहीं कर पाई हूँ, तो जैसे भी करके मैंने इसके से थोड़ा बहुत पानी निकाल लिया, फिर मैं इसको बाहर दे रही हूँ तो सूख जाएगी ये। और मेरे हस्बैंड को आज जल्दी था इसके लिए मैं उसको भी नहीं बोल पाया, और रोज़ रोज़ क्या बताऊँ, ये तो मेरा काम रहते हैं ना तो मुझे ही करना पड़ते हैं, तो उसको अगर मैं बुलाऊँ तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो मेरा ऐसे ही बहुत हेल्प कर देता है, अगर मैं डेली उससे करवाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगती है फ्रेंड। तो
सो फ्रेंड, कपड़ा सुखाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। ये सारे बिस्किट जो कि मेरे हस्बैंड कल रात को लेके आए थे, तो मैंने इसको स्टैंडर्डाइज करके रात को इधर ही रख दिया था ड्राई होने के लिए, तो अभी ड्राई हो गए हैं। इसको ये सेल्स के निचले हिस्से में रख दूंगी मैं, और इसमें से एक पैकेट जो कि मैं अभी ब्रेकफास्ट में लूँगी, क्योंकि इतना हैवी अच्छा नहीं लगता है मुझे ब्रेकफास्ट में, इसके लिए यही ले लूँगी। और मैंने देखिए ये ब्लू कलर का मैस्की पहनी हुई हूँ, जो कि मुझे इतना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, इतना भी ज़्यादा नहीं, फिर भी पहनना पड़ता है ना। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा है ना, मैंने मून का बाल पूरा कटवा दिया, मतलब कि मैं उसका गंजा कर दिया, क्योंकि क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, तो उसको ना ये फोरहेड के ऊपर ऐसे जो रहते हैं ना रैश रहते हैं ना, वो निकल गया था बहुत ज़्यादा, और वो ना उसके हेड के ऊपर से निकला हुआ था, पर बाल की वजह से मैं दिख नहीं पा रही थी, तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रहा था ना, मतलब एक हफ्ते से वो उसको हेड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रहा था। मैं सोच रही थी कि इतना छोटे बच्चों को क्या डैंड्रफ होते हैं क्या, तो मैंने डॉक्टर को बताई, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, उसको डैंड्रफ तो नहीं है, उसको रैश निकला हुआ है उसके हेड के ऊपर। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अगर ठीक करना है तो उसका बाल को कटवाना है, और अभी तो थोड़ा बहुत अगर इधर का सैलून जो रहते हैं वो भी खुल जाएगी ना, फिर भी मैं उसको लेके नहीं जा सकती हूँ, तो हम दोनों मिलके उसका पूरा गंजा कर दिया कल, या फिर उसके पहले के दिन, मतलब कि संडे के दिन हम दोनों मिलके उसका उसको ना गंजा कर दिया था। बहुत टाइम लगा था, 2 घंटा लगा था उसको बाल कटवाने में, और मतलब थोड़ा बहुत हम लोगों को टेंशन भी हो रहा था कि हम लोगों से होगा कि नहीं, तो हम लोग ना है ना जो अभी का उससे किया था, मतलब कि वेनस का जो रेजर रहते हैं ना उससे किया था, तो मुझे 5 लगा था, क्योंकि मैं एक एक करके कर रहा था और उसमें ज़्यादा नहीं हो रहा था ना, पहले मैं कैंची से उसका बाल पूरा छोटा कर दिया, फिर मैंने वो वेनस का जो रेजर होते हैं ना वो 5 लगा था, तो उससे ही मैंने धीरे धीरे करके कर दिया था, तो ऐसे ही किया। पर नेक्स्ट टाइम मैं कभी ट्राई नहीं करूँगी, ये अच्छा नहीं होते कि हम लोग तो प्रोफेशनल नहीं है ना, तो हम लोग जितना ना ट्राई करें उतना ही अच्छा है, पर मैं मजबूर थी, इसके लिए मुझे करना पड़ा, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा खुजली हो रही थी ना कि वो सो भी नहीं पा रहा था, और उसका बाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसके हेड के ऊपर पानी जो है जमा रहती थी, मैं बाल तो पोंछती थी पर फिर भी ना उसका बाल जो गीला रहती थी ना उससे ही, और वो ना नींद मतलब नहाने के तुरंत ही वो खिला देती है उसको और वो सो जाती है, तो उसका जो हेयर होते हैं ना पूरा गिल्ला रहते हैं, तब भी जाके वो सो जाते हैं ना, तो उसको ठंडी जल्दी पकड़ लेती है। इसके लिए मैंने सोचा कि उसको गंजा कर देना सबसे बेटर होगा, इसके लिए मैंने कर दिया, और अभी वो अच्छे से सोती है, और ये जो रैशेस था ना वो ये 2-3 दिन में कम हो गया। पता है मैं तो उसको तेल भी नहीं लगा रही थी, रैशेस निकलते हैं तो बच्चे लोगों को तेल नहीं लगाना चाहिए, तो इसके लिए मैं तेल भी नहीं लगा रही थी, तो अभी जो है वो ठीक है, पर उसको कोल्ड हो गया था अभी 2 दिन से, तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, फिर मैंने दवाई ले लिया था, तो डॉक्टर ने बोला तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, तो मैंने उसने एक ही दवाई दिया था जो कि मैंने 2 दिन खिलाई, तो उसको थोड़ा बहुत कम है, नाक से और आँख से जो पानी निकल रहा था ना वो कम है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है फ्रेंड इससे। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड लव यू ऑल फ्रेंड, बाय बाय।